चलो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज हम कवर करते हैं। तुम्हारे जो सिलेबस है उसमें सॉल्ट चार तरह के हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं, जेई मेंस एडवांस सभी को ले लें अगर हम लोग, तो चार तरह के सॉल्ट हम लोगों को भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो चार तरह के सॉल्ट कौन कौन से हैं साथ साथ देखते जाना ताकि टाइम खराब नहीं हो। पहला सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, जो किससे बना हो, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा सॉल्ट जो कि किससे बनाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाओ, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल क्या हो गया, NaCl, आधा समझ में, NaCl कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस के लिया क्या लिया, NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया क्या लिया, HCl, बड़ा NaCl किससे बनेगा, बात समझ में आता है, NaOH और HCl इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट, दूसरा में क्या बनेगा, वाटर। तो ये जो सॉल्ट बना है उसी का हमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोलिसिस। अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसका हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट तुम्हें किससे बनाना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाना और वीक बेस से बनाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सॉल्ट किससे बना रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया मान लो, लेट अस सपोज क्या, HCl, वीक बेस लेना आपको, वीक बेस जैसे एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH, ये वीक बेस है, इससे एक सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, NH4Cl, वेरी इजी, क्या बनेगा, NH4Cl प्लस में क्या होगा, H2O। तो इसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा सॉल्ट है बेसिकली जो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, वीक बेस, पहचानना तो तुम्हें आता ही है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, पहचानना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिल गया NaCl बना है, यहाँ पर जो NH4Cl जिसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं वो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से। बात समझ में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें क्या करना है, पानी में घोल के देखना है, पानी में हाइड्रोलिसिस करवाना है इसका। बात समझ में आता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है। चलो इस तरह के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। तीसरा, सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस और एंड वीक एसिड, उल्टा कर दिया उसका, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, लेट अस सपोज स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया क्या, NaOH, वीक एसिड ले लिया क्या, CH3COOH, जानते ये क्या हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या हमारे पास, वीक एसिड, क्या बनेगा, एक सॉल्ट, एसिड और बेस को मिलाकर हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर जो सॉल्ट बना है वो क्या बनेगा, CH3COOH, जो क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट, और प्लस में क्या बनेगा, पानी। तो एक ऐसा सॉल्ट है जो किससे मिलकर बना है, जरा चेक करो, वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। अगर तुम सॉल्ट को पहचानना सीख गए कि वो किससे बना है, तो तुम काफी चीजें उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है, और धीरे-धीरे तुम्हें भी समझ में आएगी। और चौथा सॉल्ट जो तुम्हें पढ़ना है, दैट इज सॉल्ट फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड और किससे बना हो, वीक बेस से बना, ऐसा सॉल्ट, दोनों वीक हो, तो वीक एसिड ले लो CH3COOH, एसिडिक एसिड, वीक एसिड, वीक बेस ले लो क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ले लिया, आता है समझ में, ये दोनों वीक है, एसिड और बेस दोनों वीक है, एक सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, अमोनियम एसिटेट, CH3COOH4, और प्लस में क्या बनेगा, H2O। तो ये एक सॉल्ट बन गया, दिस इज सॉल्ट, इसी सॉल्ट का हमें हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। बात समझ में आती है, तो चार तरह के सिलेबस में आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है ये, दोबारा समझ लो, हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ना है, ठीक है। चार तरह के सॉल्ट है ओवरऑल, ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने, ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने, ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने, और ऐसे सॉल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बने। एसिड बेस के बारे में पूरी क्लास डिटेल में करवा चुका हूँ, आता है समझ में, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वैसे इसकी कैलकुलेशन तो करनी ही है हमें, आता समझ में,
लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इनका पीएच कितना होगा, इसके लिए हमें पीएच की कैलकुलेशन करनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि क्या पीएच आना चाहिए इनका, आता है समझ में, थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। जरा ध्यान से देखो इसका पीएच कितना होना चाहिए। देखो चार तरह की सोल्ट है, पहला सोल्ट इसका पीएच कितना होना चाहिए, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे आगे क्या किया, स्ट्रॉन्ग ही एसिड डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ही बेस डाल दिया, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई खत्म कर देंगे, तो इसका पीएच कितना होना चाहिए 7। ठीक है, थोड़ी देर में देखेंगे इसको। अभी देखो यहाँ पर सोल्ट किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड, तो इसका पीएच क्या होना चाहिए 7 से 6। आता है समझ में, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो सोल्ट के अंदर तो इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, लेस देन 7। आता है समझ में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड। थर्ड वाले केस में स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो इसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7, मोर देन 7 और ग्रेटर देन 7, व्हाटएवर। आता है समझ में, लास्ट दोनों वीक है, समझ में आ गया, ऑलमोस्ट क्या होगा इसका पीएच 7 के आसपास, वो हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, आपको इसका तो एग्जैक्टली 7 ही होगा, लेकिन इसका डिपेंड करेगा इनका के और केबी की वैल्यू पर, लेकिन ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। अब इसी की कैलकुलेशन हमें करनी है, निकाल के देखते हैं इनकी पीएच कैसे निकालते हैं, बात समझ में आता है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं, लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, पहला टॉपिक लगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो आइडिया लगाया उसको हमें इस क्लास में प्रूव करना है, कैसे आया वो बहुत ध्यान से केयरफुली देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए दो प्रोसेसेस की आपको ध्यान रखना, दो प्रोसेसेस, सबसे पहले तो आयनाइजेशन, एक तो आयनाइजेशन करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन करना है, उसके बाद क्या लगाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। ये दो प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, उसी पे ध्यान दे रहे हैं। तो पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, केस फर्स्ट, पहला केस क्या लिया, सॉल्ट ऐसा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो, किससे बना हो, स्ट्रॉन्ग बेस, आता है समझ में, जैसे एग्जांपल लिया NaCl, आता है समझ में, सबसे पहले क्या लगाया हमने इसका आयनाइजेशन, इसको आयनाइज करवाते हैं, क्लियर है, इसको आयनाइज कराया पहली बार, तो ये क्या है NaCl व्हिच इज अ सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना, आयनाइज होगा तो क्या होगा, ये कहां जाएगा, Na+ से और Cl- से, सबको मालूम है। अब जरा ध्यान से देखो, आप लोगों को ये बताया था मैंने, आपने क्या लिया था, ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से, अगर स्ट्रॉन्ग बेस को मैं तोड़ूं तो किसमें टूटेगा, Na+ + OH-, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक, कमजोर होगा, याद है इसका मतलब ये क्या है, वीक एसिड, जान पड़ा, ये NaOH से आया, क्लियर हो गया, Cl कहां से आया होगा, HCl से, आता है समझ में, तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक, ये क्या है, वीक बेस, आता है समझ में, ये दोनों ही वीक हैं, इसलिए क्या करते हैं, पानी से इंटरेक्शन नहीं करते, नो इंटरेक्शन, आता है समझ में, पानी से इंटरेक्शन की बात ही है, H+ या OH- देंगे, जब इंटरेक्शन कर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब नो H+ आयन एंड नो OH- आयन, ना तो H+ आयन दे रहे ना ही OH- आयन दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये दोनों क्या है, वीक है नेचर में, आता है समझ में, ये स्ट्रॉन्ग है, इनके पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग थे लेकिन खुद कैसे हैं, वीक है, तो जब इतने कमजोर है तो क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रोलिसिस उनका होता ही नहीं है, होता नहीं है तो H+ आयन OH- आयन जनरेट होंगे नहीं, तो पीएच में चेंज आएगा नहीं। बहुत कॉमन एग्जांपल है, जब तुम पानी लो, पानी के अंदर नमक सुबह सुबह डाल के घोल दो, नमक ही तो है, पानी में नमक घोल दो तो ऐसा होता है कि पानी का पीएच चेंज हो रहा है, वो एसिड या बेस थोड़ी बन जाता है, पानी का पानी रहता है, उसका पीएच चेंज नहीं होता, वो तब भी न्यूट्रल ही रहता है नमक को घोलने के बावजूद भी, आता है समझ में, इसका मतलब इसका पीएच कैसा होगा हमेशा 7, आता है समझ में, ये यही किया है, जरा चेक करो, पहले उसको एनालाइज किया, उसके बाद पानी में घोला, क्लियर है, पानी में घोलने के बावजूद भी पीएच इसकी 7 ही, क्योंकि ये इन दोनों के पेरेंट स्ट्रॉन्ग है तो खुद कैसे है, वीक, वीक का हाइड्रोलिसिस होता नहीं, आता है समझ में, तो क्योंकि तुमने पानी में डाला तो पानी का पीएच चेंज हो गई नहीं, तो पीएच कितना रहेगा 7, आता है समझ में, तो जब भी तुम्हें लगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है तो उसका पीएच हमेशा क्या होगा 7, तुम्हें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्लियर हो गया, बनाओ इसको फटाफट जल्दी।
क्लियर हो गया, दिमाग में घुस गया। चलो तो आगे चलते हैं। तो एक नोट लगा के लिख लो, लिखो नोट नोट, ठीक है। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, ठीक है, ऑफ पीएच ऑफ वाटर व्हेन व्हेन सॉल्ट which is made from strong acid and strong base, ठीक है, is dissolved in it, dissolved in it, समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से समझो, एक और एग्जांपल देता हूं, हो गया सबका। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने एक और सॉल्ट दे दिया KCl, ठीक है, और मैंने तुमसे पूछा अगर मैं KCl को पानी में घोल दूं तो उसका pH कितना होगा, less than 7, more than 7 या फिर 7, क्या जवाब होगा? 7, क्यों? देखो K कहां से आया होगा, ठीक है, KOH, Cl कहां से आया होगा? HCl, ये देखो याद रखो, ये ग्रुप नंबर 1 का हाइड्रोक्साइड है, K कहां आता है? ग्रुप नंबर 1 में, याद है? और ये ग्रुप नंबर 17, ये तो है ही एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली ये क्या हुआ, जो ग्रुप नंबर 1 के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ में आता है? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर तुमने क्या बना दिया? KCl, एक सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है, तो pH को चेंज नहीं करेगा, pH कितना होगा? 7, आता है समझ में? सीधे देख के पहचान में आना चाहिए कि अगर ये घोल तो पानी का क्या हश्र होगा, तो सीधे बताओ, आता समझ में? तो एग्जांपल बना लो और नेक्स्ट टॉपिक लिखो, केस नंबर 2, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस 2 पर चलते हैं, चलो सेकंड केस देखो, केस 2, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस of salt which is from strong acid and weak base, hydrolysis of salt which is from strong acid and weak base, तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसा salt लिया हमने जो कि किससे बनाओ, strong acid से बनाओ और weak base से बनाओ, तुरंत तो उसका एग्जांपल आ जाना चाहिए, क्या होगा? NH4Cl, याद आ जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड दिमाग में HCl, वीक बेस NH4OH, पहला स्टेप क्या करोगे? आयनाइजेशन, इसको आयनाइज करो, अगर इसको आयनाइज करोगे सॉल्ट को तो किस में टूटेगा? NH4+ और Cl-। अब इसके पेरेंट को देखो, इसका पेरेंट कौन था? वीक बेस, याद है? इसका पेरेंट था वीक बेस, तो ये खुद कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड, आता है समझ में? तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका पेरेंट कौन था? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये खुद कैसा हुआ? वीक बेस, आता है समझ में? वीक बेस पानी से इंटरेक्शन नहीं करेगा, आता है समझ में? लेकिन ये तो करेगा क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है। अब इसको लिया हमने, किसको? NH4+ को, अमोनियम आयन बोलते हैं इसको, ये क्या हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड, आता है समझ में? इसको मैंने किसमें? पानी के साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं। अभी जरा चेक करना ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, ये एसिड है तो इस केस में पानी कैसा बिहेव करेगा? बेस के जैसा। एसिड क्या करता है? प्लस आयन देता है, और ये क्या करेगा? लेगा। और एसिड कौन होता है बेसिकली? जो H3O प्लस आयन दे। तो जरा चेक करो फाइनली क्या बनाएंगे, अमोनिया और प्लस में क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन। ये किस किस को समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? इसने रिएक्ट किया पानी के साथ, ये एसिड है, ये बेस है उस केस में, तो ये एसिड का काम होता है H+ देना, इसने दे दिया, खुद किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? H3O+ में, समझ में आता है? हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अभी क्लियर है? अब हमें इस केस में, क्योंकि जरा चेक करो, पानी से इसने रिएक्ट किया और क्या दे दिया? H3O+ आयन दे दिया, इसका मतलब इसका pH और पानी का चेंज हो गया,
समझ में आता है। जब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगे, इसको H+ आयन के तौर पे भी आप देख सकते हो, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब पानी में बढ़ने लगे, इसका मतलब पीएच घटने लगता है। आता है समझ में? इसी की हमें कैलकुलेशन करनी है। आया समझ में? पहले तो क्या हो रहा था, पानी से वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, अब पानी से रिएक्ट कर रहा है, पानी से रिएक्ट करके क्या दे रहा है, H3O+ आयन दे रहा है। जब भी H3O+ आयन दे, इसका मतलब पीएच भी चेंज आ जाएगा। आया समझ में? पीएच पहले कितना था पानी का, 7। अब 7 से क्या होगा, क्योंकि H3O+ आयन दे रहा है तो 7 से कम आएगा, उसी कैलकुलेशन हमें करनी है। आया समझ में? अब जरा चेक करो, जरा ध्यान से देखो। लेट अस सपोज, यहां पर मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, जरा उसको चेक करो। लेट अस सपोज हमने t = 0 पर, ठीक है, यहां से इसको मान लेते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, c, तो टूटने पर ये कितने बने, c, ये कितने बने, c, ठीक है, मोल्स पर लीटर। अब यहां से t = 0 पर ये c है, ठीक है, पानी हमने एक्सेस में ले रखा है, t = 0 पर ये कितने हैं, 0, ये कितने हैं, 0, अब तो रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई, t = 0 है। अगर इक्विलिब्रियम आया तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि जरा ध्यान से चेक करना, मैं मान लेता हूं कि इसका जो आयनाइजेशन, तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू है क्या, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, उसको अल्फा मान लेते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोलिसिस है तो इस केस में कई बुक्स इसको एच भी लिखती है अल्फा को, समझ में आता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा को कई बुक्स एच भी लिखती है, तो घबराना नहीं है, अल्फा की जगह एच भी लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं कि इस आयन का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है, एच या अल्फा, तो सी में से कितना टूटेगा, सी एच, आता समझ में, ये वही सीन है, क्लियर हो गया, C में से CH टूटा, ये कितना बनेगा, CH, ये कितना बनेगा, CH, आता है समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया सबको, बात समझ में आती है, तो जरा ध्यान से देखो, C minus CH, 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 अब हम क्या कर रहे हैं, जरा चेक करो, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो जरा चेक करो, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, जरा चेक करो, आयनाइजेशन कांस्टेंट K, नाउ लुक एट इट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, एसिड, तो के नीचे क्या लगाऊंगा, ए, ध्यान आता है, क्योंकि ये एसिड है, तो एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए, क्लियर है सफिक्स, सबको नीचे याद है, तो के की वैल्यू क्या होगी, जरा चेक करो, विच इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, हमजा बताएगा, हमजा के की वैल्यू कैसे आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, बहुत बढ़िया, आगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O+, हां बाय, हां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Concentration of NH4+, बहुत बढ़िया, सब कुछ बस हो गया, क्योंकि पानी कंट्रीब्यूट नहीं करते एक्सेस में, आता है सबको समझ में, तो फाइनली यहाँ पर के, अब सबकी वैल्यू उठा के रख दूं, हमारे पास सबकी वैल्यूज है, लेकिन एक खास बात है, मैं इस के को जरा चेक कर रहा हूं, क्या मैं इस के को मैं यू नहीं लिख सकता, दैट इज के डब्ल्यू अपॉन के बी, के ए इज ऑल्सो रिटन एज के डब्ल्यू अपॉन के बी, वाई, आपको मैंने क्लास में करवाया था कि कोई भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है उसके लिए के ए इंटू के बी क्या होता है, के ए इंटू के बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू, क्यों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात कर रहा हूं, जरा चेक करो, NH4+ ये किसका कॉन्जुगेट एसिड था, जरा अमोनिया का चेक करो, इन दोनों में क्या फर्क है, ये एसिड है तो ये क्या है, बेस है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए कि नहीं हुए, हो गए, तो K को मैं क्या लिख सकता हूँ, KW upon KB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही करवा चुका हूँ, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए K into KB क्या होता है, KW के बराबर होता है, आया समझ में, तो जो मैंने निकाला KA उसको मैं KW upon KB भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अभी जरा चेक करो, इन सबकी वैल्यूज रख रहा हूँ, और ये किसके बराबर है, which is equals to KW upon KB, ये किस किस को समझ में आता है, आया सबको समझ में, क्लियर हुआ, अब मैं इनकी वैल्यूज उठा के रखता हूँ, क्लियर है, अभी जरा चेक करो, अमोनिया यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी है, CH दिखाई देती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो Ka जरा चेक करना, उसको कई बुक्स यहाँ पर KH भी लिखती है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, समझ में आता है कि क्या हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, किसका करा रहे हो, एसिड का, एक सॉल्ट का करा रहे हो जिसमें हो किसका रहा है, उस सॉल्ट में से स्ट्रॉन्ग एसिड के जो आयन आपको मिला उसका हो रहा है, आ रहा है समझ में, जिसको कई बुक KH भी लिखती है, which is equals to KA, और हम जान चुके हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए K किसके बराबर होता है, KW upon KB, आता है समझ में, जरा चेक कर लेना, KA यहीं से ले लिया मैंने, उसको KH भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, और KA को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के केस में हम लोग KW upon KB लिखते हैं, अब हम इनकी कौन
कॉन्सेंट्रेशन डाल रहे हैं सबकी, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन चेक करो कितनी CH, तो यहाँ पर अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन CH होता है, समझ में आता है, और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का कितना है CH, तो इनटू CH डिवाइडेड बाय ऊपर वाले से लिख रहा हूँ अमोनियम आयन, इसका कितना है C माइनस CH, तो जरा चेक करो C कॉमन ले रहा हूँ 1 माइनस H, C माइनस CH में C कॉमन ले रही है, समझ में आता है, यहाँ से क्या हुआ ये C से C कैंसिल हो गया, क्या बचा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, आता है समझ में, ये देखो किस किस के बराबर है, फिर से चेक करना why I am putting KH over here, आप सब KH क्यों लिख सकते हो क्योंकि हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो इस कांस्टेंट को KH भी लिखते हैं, KA क्यों लिखा क्योंकि ये एसिड है, जरा चेक करो जिसको जो आयन का है यहां पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बेस वाले का नहीं हो रहा क्योंकि वीक है, लेकिन ये क्या है स्ट्रांग है, तो ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका, जिसको K लिख दिया, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर के केस में हम लोग जानते हैं कि K किसके बराबर होता है KW upon KB, क्योंकि K into KB किसी कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए किसके बराबर होता है KW के, आता है समझ में, पिंकी सबकी वैल्यू रख दी है आंसर, अभी क्लियर है सबको, अभी जरा चेक करो जरा ध्यान से, नाउ लुक एट इट, अगर मैं यहां पर एक कंडीशन लगा दूं क्या दैट 1 माइनस H इज एप्रोक्सीमेटली 1, कब जब H की वैल्यू क्या हो 1 से बहुत छोटी, वही वाली कंडीशन लगा रहा हूं, आता है समझ में, जब h की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो तो 1 माइनस h 1 के बराबर होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं जरा चेक करो दैट kh इज इक्वल्स टू, क्योंकि kh k kw / kb सब बराबर है, तो kh को ले लिया, kh इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया ch स्क्वायर पे, 1 माइनस h को किसके बराबर मान लिया 1 के, तो यहां से h डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके बराबर आ गया जरा चेक करो दैट इज अंडर द रूट KH upon C, very important. लेकिन ये ध्यान रखना ये चीज जो है ये तभी वैलिड है जब degree of hydrolysis, H का मतलब क्या हो गया? That is degree of hydrolysis BOH. यहाँ पर H की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक से बहुत छोटी. मतलब आप ले सकते हो 5% या उससे कम. तब ये formula applicable होगा. Otherwise नहीं होगा. आता है समझ में? ये वही वाली चीज दोबारा करवा रहा हूँ. कुछ नया नहीं है. बस सिंपल थोड़े से नए हैं. आता है समझ में, तो यहां पर देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस h दैट इज अंडर द रूट kh / c, सबको समझ में आता है, तो यहां तक पहले उतारो फटाफट से उसके बाद अपन आगे चलते हैं, और खास बात देखो जरा ध्यान से, नाउ लुक एट इट, एक बार और रुक जाते हैं, kh की वैल्यू किसके बराबर है kw / kb के, ये वैल्यू अगर रख दो उसके अंदर तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जरा चेक करो h इज इक्वल्स टू अंडर द रूट kh की वैल्यू क्या रख दिया kw / kb That is KW upon KB into में क्या आ गया? C. आता है समझ में? तो इसको बनाओ फटाफट फिर आगे चलो। अब देखो हमारा काम क्या है? हमारा टास्क ये है कि जब हमने सॉल्ट को इस सॉल्ट को पानी में घोला, डिसोल्व किया, तो pH में कितना चेंज आया वो हमें निकालना है। आता है समझ में? तो अब जरा चेक करो। यहाँ से हमने H निकाल लिया। अच्छा pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? What is the formula to calculate the pH? That is minus of log of concentration of H3O plus ion. आता है समझ में या फिर H plus ion की बात है? Clear है सबको? तो H plus ion का concentration अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो मेरा pH calculate हो जाएगा। ध्यान से देखो सब लोग। अवधान लिए? देखो थोड़ा। हमारा काम क्या है यहाँ पर? हमें pH calculation करनी है। क्यों? क्योंकि हमने पानी के अंदर ये salt घोल दिया। जो salt किससे मिलकर बना हुआ था? Strong acid और weak base। Obviously इसका pH change होगा। वो pH कैलकुलेट करना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था तो pH कितना होना चाहिए 7 से कम वही हमें प्रूव करना है आधा है समझ में तो जरा चेक करो pH निकालने का फार्मूला क्या होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस 10 H3O + आयन की कंसंट्रेशन H3O + आयन का कंसंट्रेशन है कितना भूलने के बाद जरा चेक करो कितना है CH ध्यान लगाओ यहां कितना है CH दिखाई दे रहा है सबको अभी जरा चेक करो मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है pH = माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस 10 यहां पर क्या है H3O + की कंसंट्रेशन दैट इज C into H C क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आता है समझ में H क्या है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और उस H की वैल्यू मैं वहां निकाल चुका हूं तो वो कितनी है H की वैल्यू अंडर द रूट KW / KB / C वो वैल्यू अगर मैं उठा के यहां रख दूं तो मेरा सॉल्यूशन आएगा आता है समझ में तो वैल्यू वहां से उठा के यहां रख रहा हूं क्लियर है तो जरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कोर्सेज को देखते रहना ठीक है अभी जो लोग आएगा उसको आप लोग सोल्व करके बताओ ठीक है चलो तो फाइनली ये h का वैल्यू उठा के रख रहा हूं h का वैल्यू वहां से उठा के रख रहा हूं ph कितना आता है जरा चेक करो
So pH is equals to minus of log of base 10 C into H. H का वैल्यू 4 है, वहां से उठा के रख देता हूं, कितना आ रहा है अंडर द रूट Kw ठीक है अपॉन Kb into C. आता है समझ में? जरा चेक करो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, यहां पर C बाहर है अंडर रूट के अंदर है, समझ में आता है? तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, which is equals to minus of log of base 10 अंडर द रूट, इसको अंदर ले गया तो c की स्क्वायर हो गई, यहां से c की स्क्वायर हो गई तो ये c कट गया आपस में, क्या बचा c kw अपॉन kb, ये आता है सबको समझ में? क्लियर हो गया? अब मैं log को सॉल्व कर रहा हूं, सबसे पहले अंडर रूट, इस अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन आल्सो राइट दिस बेस ऑफ log 10 c kw अपॉन kb, पावर कितनी है आप आता है समझ में? लॉग में क्वालिटी होती है, क्या होती है वो प्रॉपर्टी, पावर आगे आ जाती है, याद है? पीएच का वैल्यू कितना आ रहा है जरा चेक करो, माइनस ऑफ हाफ आगे आ गया, यहां पर आगे क्या बच रहा है लॉग ऑफ सी के डब्ल्यू अपॉन के बी, ये किस किस को समझ में आता है, सबको आ गया? अभी जरा चेक करो यहां पर क्या है, देखो लॉग ए इनटू बी तो क्या होगा लॉग ए प्लस लॉग बी डिवाइडेड में है सी, तो log a plus log b minus log c, आता है समझ में? वो प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो ph की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज minus half, यहां पर क्या क्या है जरा चेक करो, log of base 10 kw आता है समझ में, plus log of base 10 c, यहां पर log base 10 ही आता है समझ में, यहां पर क्या लिखूंगा minus of log of base 10 kb, ये किस किस को समझ में आता है, सबको आ गया? अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, क्लियर है? अगर ये सारा काम 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा हो, 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा हो, तो kw की वैल्यू कितनी होती है 10 रे टू पावर माइनस 14, याद है? तो pkw की वैल्यू कितनी होती है, pkw क्या होता है माइनस ऑफ log ऑफ kw, याद है? वैल्यू रख दूंगा तो pkw की वैल्यू कितनी आएगी 14, pkw की वैल्यू यानी कि माइनस ऑफ log ऑफ kw बेस में 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 14, ये देखो यहां पर यही है दिखाई दे रहा है, अब मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं पीएच की वैल्यू, देखो जरा ध्यान से, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ से भी कर देते तो कितना हुआ माइनस ऑफ हाफ ऑफ log ऑफ बेस 10 kw, आया समझ में? ये भी अंदर चला गया, कितना हुआ माइनस ऑफ ठीक है हाफ ऑफ log ऑफ बेस 10 c, आता है समझ में? ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन मैं इसको pk लिख सकता हूं, तो मैं सीधे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं जरा चेक करो, माइनस ऑफ हाफ, ये माइनस हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहां का लिख रहा हूं सीधे, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं pkw pkb, आता है समझ में? क्योंकि माइनस ऑफ log ऑफ बेस 10 kb दैट इज कॉल्ड pkb, आता है समझ में? ये देखो यहां से माइनस ऑफ, क्लियर है सबको? तो इसको किस सीधे लिख रहा हूं क्या pkb, आता है सबको समझ में? अभी जरा चेक करो, मैं जानता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस ऑफ log of kw, ये निकाला हुआ minus of log of kw कितनी वैल्यू होती है 14, यहां से कितना हो 14/2, आता है समझ में? आगे आ जाओ, ये पर क्या है, यहां से देखो ये माइनस और ये माइनस कॉमन ले लूं, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, हाफ और हाफ भी कॉमन आया तो हाफ भी कॉमन ले लूं, आता है समझ में? अंदर क्या बचा दैट इज pkb, आता है समझ में? प्लस क्या बचा log of बेस 10 और साथ में क्या है c, यही बचा, माइनस हाफ कॉमन ले लिया यहां से, ठीक है माइनस हाफ यहां से कॉमन ले लिया, तो pkb और प्लस में क्या हुआ log c, आता है समझ में? जरा चेक करो ph की वैल्यू क्या आ रही है, ph इज इक्वल्स टू 14/2 कितना हुआ 7, देखो 7 मैंने माइनस हो रहा है क्योंकि ये एसिड था स्ट्रांग, बेस कमजोर था, साथ में से घट रहा है, आता है समझ में? 7 माइनस से हमारा प्रूफ हो गया, हाफ क्या चीज कर रही है 7 में से ये टर्म घटानी है, तो लिख रहा हूं 7 माइनस हाफ pkb प्लस log of बेस 10 c, आया सबको समझ में? ये फॉर्मूला बन गया pH निकालने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया? अरे फॉर्मूला सीधा सीधा याद होना चाहिए, किस केस में है, एक ऐसे सॉल्ट का pH निकालने का फॉर्मूला है जिसमें एसिड क्या है स्ट्रांग, बेस क्या है वीक, तो pH क्या आ रहा है 7 से कम, आता है समझ में? इसको बनाओ फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लें, एक और पांच बात है जरा चेक करो, क्योंकि बेस वीक था तो देखो यहां pkb, यहां से पता हो जाना चाहिए टर्म में pkb मतलब बेस वीक है, स्ट्रांग के लिए ये लिखा ही नहीं जाता, आता है समझ में? इसको बनाओ फटाफट, कोई डाउट है तो पूछ लो,
पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो आपने निकाला है इस पे कंस्ट्रेंट है क्या, तभी काम करेगा जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपकी क्या हो, ऑलमोस्ट कितनी हो, 5%। ध्यान रखना कंस्ट्रेंट है, आता है समझ में? चलो हटा दो इसको, क्योंकि ये चीज देखो तुमने यहां से कैलकुलेट किया था, अभी स्टार लगा रखा है, ये स्टार पर है तो ये क्या होगा, ये स्टार पर है, आता है समझ में? और वैसे तुम्हारे बोर्ड में यही आता है तो उसकी टेंशन नहीं लेना, तुम्हें ये अप्लाई करना है। एडवांस में जे एडवांस में मुश्किल से एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसपे ये अप्लाई नहीं होता था, वहां से हमें सोल्व करना था। अब कर दूं अभी इसको, अगला टॉपिक लगाओ ये पीएच कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, अगला टॉपिक लगाओ पीएच कैलकुलेशन।